दोस्तों आप क्या कहेंगे अगर मैं आपको कहूं कि हमारी दुनिया 50 साल के अंदर इतनी ज्यादा बदलने वाली है जितनी वो 20 लाख साल के अंदर नहीं बदली जब हम मानव इस धरती में बंदर के रूप में आए थे। आइए जानते हैं कैसे। करीब 20 लाख साल पहले हमने पहली बार कोई पत्थर का टूल बनाया था और 1 लाख साल बाद हमने आग को डिस्कवर किया। और ये 10 लाख साल से लेकर 20 लाख साल तक मानव ने क्या किया? खाना खाया, जानवरों को मारा, दिन भर सोए और बच्चे पैदा किए। वो पहली इन्वेंशन व्हील, लोहे को पिघला के उसे यूज करना, और वो पहली भाषाओं को पत्थर में लिखना, ये सब मानव ने पिछले 10,000 सालों के अंदर अंदर किया है। और पिछले सदी में ही इलेक्ट्रिसिटी को पूरे दुनिया भर में इस्तेमाल करना सीखा गया। इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है क्योंकि सिविलाइजेशन का ग्रोथ एक्सपोनेंशियली ही होता है और ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट करता है टाइम के साथ। सोचिए अगर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिससे आप किसी को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं, तो आप टेलीपोर्ट करते हैं एक आदमी को जो कि महाभारत के टाइम का है, उसको आप 10,000 साल पहले पीछे भेज देंगे, तब क्या नतीजा होगा? वो दोनों सिविलाइजेशन में कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा, एक जैसे ही होंगे वो। मान लीजिए इस बार आप कोई 19th सेंचुरी के आदमी को टेलीपोर्ट कर रहे हैं 2020 में, तो उसके लिए ये सब ऐसा होगा कि वो अलग ही दुनिया में आ गया है, अलग ही प्लेनेट में आ गया है। इसी सिविलाइजेशन ग्रोथ के चलते हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि 2050 तक हम लोग एक ऐसी चीज बना लेंगे जिसको टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी कहेंगे। ये वो फ्यूचरिस्टिक आइडिया है जिसको रे क्रूजवेल ने बताया था। ये टेक्नोलॉजिकल सिंगुलैरिटी ये रिप्रेजेंट करता है जब मानव का ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलके इस दुनिया को अलग ही दिशा में ले जाएंगे। और ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ये घटना 20 से या 30 साल के अंदर अंदर हो सकती है या उससे जल्दी भी। कई सारे कम्युनिटी पोल कंडक्ट करवाए गए कि ये सिंगुलैरिटी 2040 से लेकर 2050 के बीच हो सकती है, मतलब आज से 30 साल के अंदर अंदर। तो उसके बाद ह्यूमैनिटी का क्या होगा जब इस धरती में ह्यूमैनिटी से भी ज्यादा दिमागदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना दिए जाएंगे? जैसा कि स्टीफन हॉकिंस ने कहा है, ये सुपर इंटेलिजेंस एआई हम मानव के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकते हैं और ये सब कुछ अपने कंट्रोल में ले सकते हैं पूरी दुनिया को। इमेजिन कीजिए एक इंसान अपने 2 साल के बच्चे को बाहर जाने से रोक रहा है, एआई भी हम इंसानों को कुछ वैसे ही देखेंगे। डिपेंड करता है कि एआई का मोरल कंपास क्या है, क्या वो इंसानों की मदद करेंगे या उन पे कब्जा करेंगे। और यहीं से एआई के कुछ घातक नतीजे सामने आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है और हम एआई के दौर में रहते हैं, तो हमने एआई को आदेश दिया कि कोरोना वायरस को इस दुनिया से ख़त्म कीजिए, तो एआई के पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन कि वो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाए और कोरोना वायरस को ख़त्म करे, और दूसरा तरीका कि वो उन मानव को मार दे जिनको कोरोना वायरस हुआ है, क्योंकि एआई के अंदर कोई भी इमोशन नहीं होंगे। और दूसरा वाला तरीका एआई के लिए ज़्यादा आसान होगा, तो चांसेस है कि वो उस दूसरे वाले तरीके के साथ जाए और हम मानव को मार दें जिनको भी कोरोना वायरस हुआ है। और ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहाँ पे एआई इमोशन को मद्देनजर ना रखते हुए ऐसे कई सारे घातक फैसले ले सकता है जिससे हम मानव के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलदायक सिचुएशन आ सकती है। लेकिन क्या पता इंसान ऐसा एआई बना ले जिसके अंदर इमोशन हो, तो इससे चांसेस है कि हमें एआई के कुछ अच्छे नतीजे भी मिल सकते हैं, जैसे कि से करप्शन इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। जैसे जैसे कैश डिजिटलाइज होंगे ये करप्शन का भी सफाया हो जाएगा। दूसरा, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी, कई सारे नैनो बॉट्स हम इंसानों के अंदर इंसर्ट किए जाएंगे जिससे हमें कोई भी बीमारियाँ नहीं होगी, जैसे कैंसर, हार्ट डिसीज और कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जिसकी वजह से इंसान आज मरता है। और क्या पता हम लोग सेल्स को भी नैनोबॉट से रिप्लेस कर दें जिससे रिजल्ट ये होगा कि कोई इंसान मरेगा ही नहीं। जैसा कि ब्लड शॉट मूवी में दिखाया था, विन डीजल के शरीर में नैनोबॉट्स इंसर्ट कर दिया था जिसकी वजह से उसकी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। क्या पता ये फ्यूचर में पॉसिबल हो पाए, और अगर ये पॉसिबल हुआ तो इसको इमोर्टैलिटी कहेंगे, इसका मतलब जो कभी मर नहीं सकता।
और अगर नैनो टेक्नोलॉजी से जीन को मैनिपुलेट किया तो कई सारे हायर इंटेलिजेंस बच्चे पैदा होंगे, उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी हेल्थ होएगी और वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। लेकिन इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, हर कोई जीन को मैनिपुलेट करा के एडवांस आदमी नहीं बन पाएगा, तो ये एक डिविजन क्रिएट करेगा, एक वो आदमी जो अपने अंदर नैनो टेक्नोलॉजी लेके घूम रहा है और दूसरा एक आम आदमी जो बिल्कुल साधारण है। लेकिन ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, हम लोग इससे भी ज़्यादा और एडवांस होंगे, वो एडवांसमेंट है माइंड अपलोडिंग। अगर फ्यूचर में कंप्यूटर और भी ज़्यादा एडवांस होते हैं तब हमारे पास एबिलिटी होएगी पूरे ह्यूमन ब्रेन को स्कैन करके एक मेमोरी चिप के अंदर अपलोड करने की। वो इंसान डिजिटली हमेशा प्रेजेंट रहेगा, एक टाइप का इसको आप बैकअप कह सकते हैं। और अगर आपने नेटफ्लिक्स की सीरीज ब्लैक मिरर देखा है तो उसमें यही सब दिखाया है, कैसे एक ब्रेन को स्टोर करते हैं चिप के अंदर और वो दूसरे दिमाग के अंदर ट्रांसफर भी कर देते हैं। ये सब अभी साइंस फिक्शन लगता है, पर फ्यूचर में ये सब पॉसिबल हुआ तो ये सब एक एंडलेस पॉसिबिलिटीज में कन्वर्ट होएगी। जैसे हमें फ्यूचर में कोई भी फिजिकल बॉडीज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम लोग इंसान की चेतना को एक इंटरनेट के अंदर स्टोर कर पाएंगे, कोई इंसान भूखा नहीं रहेगा, कोई इंसान को कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि हम लोग बायोलॉजिकली प्रेजेंट ही नहीं होंगे तो हम लोग मरेंगे भी कैसे। लेकिन इन सब के बाद भी मेंटल इलनेस का क्या होगा, मानसिक तनाव, कई सारे मेंटल प्रॉब्लम ब्रेन में कई सारे केमिकल के इम्बैलेंस से होते हैं। और इंसान का दिमाग शरीर के हर एक अंग से कनेक्टेड होता है बहुत ही परफेक्टली, अगर हमने इन सब को डिजिटल कर दिया तो इंसान का दिमाग अपनी सारी हदें पार कर जाएगा, क्योंकि डिजिटल ब्रेन इतना ज़्यादा तेज होगा बायोलॉजिकल ब्रेन से, तब वो सारे काम इतने जल्दी जल्दी करेगा कि उसके लिए टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। और इन सब की वजह से कई सारे घातक अंजाम हो सकते हैं, जैसे इंसान एक छोटी सी जगह पे कई करोड़ों साल से कैद है और अनंत काल तक इंसान की कोई संभावना ही नहीं रहेगी मरने की, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, इंसानों को पेड़ भी नहीं चाहिए होगा, उन्हें चाहिए होगा तो ढेर सारी एनर्जी जो कि उन्हें डायसन स्पेयर बनाने से मिलेगी। डायसन स्पेयर वो होता है जो सन की पूरी 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, और अभी के लोग सन की 1% एनर्जी को भी एब्जॉर्ब नहीं करते। 1% मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इससे बहुत ही ज़्यादा कम, और यही एनर्जी प्लांट साइज कंप्यूटर को चलाने में काम आएंगे। और शायद यही कारण है हमें आज तक कोई एलियन लाइफ नहीं मिली पूरे यूनिवर्स में अभी तक, क्योंकि वो लोग भी इतने ज़्यादा एडवांस हो गए होंगे कि वो इंटरनेट के अंदर रहते होंगे, उन्हें कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी बस एनर्जी के अलावा। लेकिन ऐसी ज़िंदगी लेके इंसान क्या कर लेगा जब कोई मीनिंग ऑफ लाइफ ही नहीं रहेगी, जब वो सारी अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकता है तो वो इंसान की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि AI का दौर अभी तक हमने नहीं देखा है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। हम लोग फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो सकते हैं, और मे बी चांसेस है कि AI हम इंसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा साबित हो। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं।